किसी को एक बार दो बार तीन बार समझाओ, कोई बात माने तो ठीक है, ना माने तो शांत हो जाओ। क्यों? जाहि राम दारुण दुख देही, ताकर मति आगे हरि ले। भगवान की बड़ी विलक्षण लीला है। और अंत में परिणाम यह हुआ, सती गई, शरीर छोड़ना पड़ा, शिव का आक्रोश, दक्ष यज्ञ विध्वंस, अंत में शिव की प्रसन्नता पर ही यज्ञ संपन्न हुआ। इसके बाद भगवान के परम भक्त ध्रुव जी का प्रसंग है, आइए हम लोग थोड़ा सा उस प्रसंग का दर्शन करें। धर्म और अधर्म के संतति का वर्णन है, अधर्म की संतति क्या सुनोगे, बगैर सुने ही सब पता है। अन्य सुन लोगे तो वो नाम जरूर याद हो जाएंगे, भगवान के नाम भले भूल जाएं, इसलिए मैं अधर्म की संतति का वर्णन करता नहीं जान के। क्यों? ऐसे नाम लोग दिमाग में बैठा लेंगे, वो इसी भटक जाते, वो नाम दिमाग में बैठेगा तो और भटक जाएंगे। धर्म और अधर्म की संतति का वर्णन। अब भगवान के परम भक्त ध्रुव का प्रसंग क्या है, चलिए थोड़ा उसका दर्शन करें। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास। ध्रुव जी को भगवान का साक्षात्कार मधुवन में हुआ है। वृक्ष और आशिकोष गोलोक धाम का एक हिस्सा है। और एक बात ध्यान रखना, एक प्रसंग ऐसा भी आया है, जो गिरिराज जी है ना, ये गिरिराज भगवान के हृदय हैं। भगवान के हृदय का एक भाग द्रवित होकर के जब यहां आया तो वही बना है गिरिराज।
ये सामान्य नहीं। इसमें द्वादश महाबनों का वर्णन है, आप लोगों को इससे पहले बता चुका हूं मैं, कृष्ण की लीला में और विस्तार करूंगा, कुछ वनों का दिग्दर्शन, वनों की यात्रा करवाऊंगा जितना संभव हो पाएगा। ब्रज का जो प्रवेश द्वार है वो है मधुवन, ब्रज का प्रवेश द्वार है मधुवन। भगवान की कृपा हो आप मधुवन में जाओ, या मधुवन आओ, आप कभी से जो करो, क्यों वहां भगवान छह रागों का गायन किए थे और नारद जी इस बात को जानते थे कि यदि वहां अपने भक्त ध्रुव को भेजता हूं तो भगवान की कृपा हो जाएगी। देखो राग से ही अनुराग पैदा होता है, राग से जबरदस्ती किसी को भक्त बनाया नहीं जा सकता, किसी मानव को भक्त बनाना किसी के बस में नहीं है। आपके अंदर का जो राग है, जब कभी भगवत कृपा से प्रकट होगा, आपके अंदर छह राग हैं और ये छह राग जब प्रकट होंगे, ये अपना अपना कार्य करेंगे, तब आपके अंदर अनुराग की जागृति होगी। और जब अनुराग की जागृति होगी तब आपका भगवान से प्रेम होगा, और जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। अभी हम संसारियों से भी प्रेम की बात कर लेते हैं और भगवान से भी कर लेते हैं, यह संभव नहीं है। अच्छा दोहा क्या पढ़ते हैं हम लोग, एक है साधे कि सबको साधे तो एक साधे क्या है, पढ़ते हैं एक है साधे और करते क्या है, बोले सबको साधना तो जरूरी है, अपने आप को साध नहीं पाए सबको साध लेंगे नहीं। एक कृष्ण को प्रसन्न कर लो सब प्रसन्न हो जाएंगे, राधे प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है, उसी की प्रसन्नता में अपनी जिंदगी है। अपने प्रियतम की प्रसन्नता के लिए हंसते हंसते शरीर की कुर्बानी करनी पड़े तो कर देनी चाहिए। शरीर तो तिनके के समान, छोड़ो इसको। गोपियां अपने प्रियतम के लिए क्या कह दी थी, सुखी प्रियतम प्यारा हमारा रहे, सत नरक मिले परवाह नहीं, अपने प्रियतम की खुशी के लिए मुझे 100 जन्म नरक में सड़ना पड़े तब भी मैं तैयार हूं, यह है उसका लक्ष्य। मधुबन से इसका श्री गणेश, छह रागों का गायन, कौन कौन से राग, आइए सांकेतिक दर्शन करा देते हैं, किस राग का क्या काम है। जो पहली राग है उसका काम है जगाना, जगाने का जो कार्य करती है वो जो राग है उसको कहते हैं भैरव। का काम है जगाना, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो इस राग का गायन हो जाए महाराज, नाच पड़ोगे, अपने आप उछल पड़ोगे, ये राग जगा देगी आप, इस राग में प्रवेश करो। जागने के बाद स्नान करते हो, स्नान करवाने के लिए भगवान दूसरी राग का गायन किए, जिस राग को कहा गया है मेघ मल्हार।
आपको स्नान करवाएंगे। जब आपको स्नान करवा देंगे आपकी शुद्धि होगी, तब आपके अंदर का अंधकार दूर करने के लिए एक राग आएगी, जिससे अंदर का अंधकार दूर होगा। उस राग का नाम है दीपक। इस राग से आपके अंदर का अंधकार दूर होगा। जब अंधकार दूर होगा तब चौथी राग का गायन करेंगे भगवान, जिस राग से आपको भगवान की भक्ति मिलेगी, उसको कहते हैं मालकोष। प्रवेश होगा भक्ति में, भक्ति के सूत्र में। और जब भक्ति रस में प्रवेश होगा तब आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पांचवी राग आएगी। उस राग का नाम है श्री। राग के गायन से आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। और जब कल्याण का मार्ग प्रशस्त हुआ तो अब छठी राग आएगी, जिससे आपको आनंद रस की रसानुभूति होगी। वही आनंद ही कृष्ण है, कृष्ण ही आनंद है। कृष्ण का स्वरूप क्या है? सत्य ज्ञान आनंद, आनंद मात्र ही कृष्ण मूर्ति है श्री कृष्ण। आनंद ही कृष्ण, कृष्ण ही आनंद। अब छठी राग जो आ रही है उसका नाम है हिंडौन। इन छह रागों का गायन किया गया है मधुवन में, इसीलिए किसी साधक ने गाया भी है मधुवन में राधिका। मधुवन में राधिका नाची रे, गिरधर की मुरलिया। अभी मधुबन के नृत्य का भी तो आनंद लो बाबा। वहां के वनों में किसी वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बैठो, ध्रुव टीला में ध्रुव जी को प्रणाम करो, भगवान को प्रणाम करो, आके वहां किसी वृक्ष के नीचे शांत चित्त 10 मिनट आधा घंटा इतना बैठ सकते हो, और द्वादशाक्षर मंत्र का स्मरण करो। आज भी वहां अम्बरीश जी हैं। अम्बरीश जी के दर्शन किसी किसी भावुक भक्त को मिलते हैं, आज भी हैं, लेकिन अब उतनी साधना हो तो आइए। अब आपको हम सीधे सीधे ध्रुव जी की कथा, ठीक है कि नहीं? मधुबन क्यों भेजे इसका राज बता दिए। अब ध्रुव जी का प्रश्न। मनु जी के दो पुत्र हैं,
उत्तान पद और प्रिय व्रत। उत्तान पद के दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि चतुर चालाक ज्यादा थी, लेकिन सुनीति बड़ी भोली भाली थी। महाराज, सुनीति को त्याग दिए सुरुचि के चक्कर में पड़ के आप जीवन में कुछ पाना चाहते हो, भोले भाले बन जाओ। भोले भाले बनोगे देखना कन्हैया कैसे साथ देते हैं। ज्यादा चतुर चालक बनने की कोशिश मत करो। सुरुचि महाराज को अपने वश में इतना कर ली कि सुनीत को महल से बाहर करवा दिया, दासियों की तरह जीवन का निर्वाह कर रही है। लेकिन सुनीति भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मेरी गोद भले सुनी रहे, लेकिन जो मेरी छोटी बहन सुरुचि है इसकी गोद को भर देना। सुरुचि कहती है, हे प्रभु, मेरी गोद तो भरना, लेकिन मेरी सौत की गोद को सुना। हमारे प्रभु संकल्प कर लिए, मैं सबसे पहले सुनीत की गोद भरूंगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे या ना देखे कन्हैया देखता होगा। बाबा, कोई देखे ना देखे छोड़ो, लेकिन मेरा कृष्ण तो देख रहा है ना। कृष्ण देख रहा है, बस ध्यान रखो। उससे कहां बचोगे? जीवन में लाभ चाहते हो, दूसरों का भला करना सीखो। हम किसी को रुलाएंगे तो हमको रोना पड़ेगा, हंसाएंगे तो। सुनीति प्रार्थना करते हैं, प्रभु ने कहा मुझे कुछ ऐसी लीला करनी पड़ेगी पहले इसकी गोद भरे। एक बार महाराज गए वन में शिकार खेलने। राजाओं को शिकार खेलने का अधिकार है, खाने का नहीं, खेलने का। लौट क्या रहे थे, ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि न चाहते हुए हठात उनको वहीं रात्रि ठहरना पड़ा। ध्रुव जी गर्भस्थ हुए। कुछ समय के बाद सुरुचि के घर में बालक। दोनों माताएं अपने अपने गर्भस्थ शिशुओं को संभालती हैं। बालक की पहली गुरु मां होती है। ये हमारे भाई लोग जो बैठे हैं कथा में, यानी कि देवियां जो बैठी हैं यहां, मैं आप लोगों का पुण्य कर्म नहीं देख रहा, देवियों देवताओं, मैं आप लोगों के माता पिता के पुण्य कर्म को देख रहा हूं। कितने अच्छे माता पिता के संस्कार रहे होंगे कि जब आप मां के गर्भ में रही हो, आपकी मां निश्चित कोई पुण्य कर्म की है जिसका प्रतिफल की आपका मन भगवान की कथा में लग रहा है, सत्संग में लग रहा है। आप लोगों के माता पिता के अच्छे कर्म रहे होंगे जिसमें आप मां के घर में थे, मां जरूर अच्छे कार्य की होगी। मैं कई भक्तों को यहां नाम नहीं लूंगा, व्यासपीठ से एक बार जाने का अवसर मिला, उनकी मां को देखा और देखा उस बालक के अंदर क्या भाव मां की सेवा का। और हमारी समिति की सदस्य हैं वो, उनकी मां से मैं एक बार मिला हूं, देखा मां के प्रति समर्पण, मां की सेवा। धन्य है मां आज यहां बैठकर। आप लोग जो इस
रस का रसपान कर रहे हो, आप लोगों की माता पिता की तपस्या का फल है। फल कोई और, वृक्ष कोई और लगाता है, फल कोई और खाता है, इसलिए उनको भी याद कर लिया करो। श्रोताओ, ये हर बात बोलने की नहीं होती, लेकिन जब मैं व्यासपीठ पर बैठता हूं, जहां कहीं भी, तो जो भी आयोजक होते हैं, मैं सबसे पहले उनके माता पिता का स्मरण किया करता हूं, उनके माता पिता के लिए मैं कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। वो संसार में है तो भी उनके लिए प्रार्थना करता हूं, और नहीं है तो भी करता हूं। हैं तो दीर्घायु यशस्वी स्वस्थ सानंद रहें, और नहीं है तो कहीं यत्र तत्र आत्मा भटक रही हो तो वो भी कथा में आके बैठे और कृष्ण की गोद प्राप्त करें। मैं एक बालक के मुख से एक पिता का प्रसंग सुना, उनकी बहू उनकी बेटी सुना रही थी, बहू बेटी में अंतर नहीं। बोले, पिता हमारे दो पहिया वाहन में सामान लाद लाद कर दिन रात दौड़ दौड़ के कितना श्रम किए। पिता अपने बच्चों को, बच्चियों को, अपने बहुओं को सब कुछ देने के लिए दो पहिया वाहन में सामान लाद के दौड़ रहे हैं, और इतना बना के गए, आज उनके बहु बेटे फोर व्हीलर में घूम रहे हैं। कन्हैया की कृपा और आगे बढ़े। लेकिन कभी उस पिता को भी याद करना, जो पिता कभी आपके लिए दो पहिया वाहन में कितना सामान लेकर दौड़ के जा रहा है, बच्चों को खिलाने के लिए कैसे भूख सा, कभी उनका भी स्मरण करना। जो 9 महीने हमको घर में धारण की है, उस मां को भी याद कर लेना। यानी मां के जाने के बाद केवल मां की यादें शेष रह जाती हैं। मैं ये कई बार बताया हूं श्रोताओं, देवियों, आप ससुराल से मायके जाओ, यदि आपकी मां हो, वृद्ध हो, कैसी भी हो, एक अलग खुशी होती है। लेकिन जब मां विदा हो जाए और फिर उस घर में जाओ, कोई कितने ही प्यार करे, लेकिन जो मां अपने हृदय के रस से आपको पाल पोस के बड़ा की है, जो हमारे आपके तन की गंदगी दूर की है, जो वस्त्र पहनाना पहनना सिखाई है, भूखी रह करके भी हमको भोजन करवाई है, जब वो मां नहीं होती, उसकी यादें बचती हैं, कितना दर्द होता है। बेटा या बेटी कितने गलती करे, पिता आक्रोशित हो तो मां उसको अपने सीने में छुपा लेती है। मेरे लाल को मत डांटो, मेरी बेटी को मत डांटो, ये छोटे हैं, संभल जाएंगे, उनकी डांट वो खुद खाती है। जो आपके लिए डांट खाई है, जो आपके लिए व्रत कर दिन दिन भर इंतजार की है, आज बेटी मेरी आने वाली है ससुराल से, मां को पता चल जाए, मां इतनी खुश होती है, बेटी के लिए ये देना है, बेटी को ये खिलाना है, मेरी बेटी को ये पसंद है। बेटा कहीं से आ रहा हो, मां तब तक नहीं खाती जब तक बेटा नहीं आ जाता। कई बार देखता हूं कुछ माताएं मुझसे शिकायत करती हैं, मैं इस बेटे को खाने के लिए कहती हूं, ये खाता नहीं, मुझे बड़ी पीड़ा होती है। बेटा इस दर्द को नहीं समझता, वो कह देता मैं खा के आया हूं। मां की ममता, जब तक मां के सामने लाल न खाए तो मां को कभी संतुष्टि नहीं हुआ करती। हे मां, धन्य हो आप, उस मां के लिए मेरा कृष्ण भी बहुत रोया है, उस पिता के लिए मेरे राम मेरे कृष्ण भी रोए हैं।
बड़भागी हैं जिनको पिता का हाथ मिला हुआ है। जाने के बाद पिता की यादें रह जाती है, जो हमको किस अवस्था में पढ़ाए, कैसे रह करके हमको रखे, कितनी व्यवस्था दिए। आज उस पिता के लिए, उस मां के लिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा, जितने भी मूर्ति विराजमान हो, अपने अपने माता पिता का स्मरण तो कर लिया करो, स्मरण कर लिया करो। पिता का शरीर भले शांत हो, लेकिन आत्मा बेटे से दूर नहीं होती है। मां शरीर से भले दूर हो, लेकिन आत्मा से अपनी बेटी अपने बेटे के पास रहती है। आत्मा वही जायते पुत्र इति वेदानुशासन। दोनों माताएं अपने अपने बच्चों को संभाल रही हैं, प्रभु की कृपा। एक एक बालक का जन्म हुआ। ध्रुव जी के यहां श्री राम, सुनीत के यहां जो बालक, उनका नाम पड़ा ध्रुव। सुरुज के यहां जो बालक, उनका नाम पड़ा उत्तम। एक बालक को मां का प्यार मिल रहा, एक बालक को माता पिता दोनों का प्यार मिल रहा। मां इतने अच्छे संस्कार दी, बेटा अपने से बड़ों को प्रणाम किया करो, अपने से बड़ों का आदर करना सीखो। ध्रुव जी हमारे जब 4 वर्ष के हुए, एक बार छोटे बच्चों के साथ खेल रहे थे, संतों की टोली जा रही थी। ध्रुव जी खेल को छोड़ के जाके संतों के चरणों में लोटपोट हो गए। संत उठा के गले से लगा लिए, हे प्रभु धन्य है इसके माता पिता, ये कितना होनहार बालक है। आज तो महाराज बच्चों को कहना पड़ता है कि प्रणाम कर लो, वहां किसी ने कहा नहीं, लेट के प्रणाम किए, प्रार्थना किए, प्रभु इस बालक को अपना दर्शन जरूर देना। प्रभु संकल्प कर लिए, संतों के मुख से निकला है इसको दर्शन दूंगा नहीं, इसका दर्शन मैं करूंगा। ध्रुव जी 5 वर्ष के हुए, आज उनका जन्मदिन है। मां द्वादश परम भागवत सप्त चिरजीवी गणेश नवग्रह की सेवा। ध्रुव ने कहा, मां मेरे पिता कौन है, मुझे पिता की गोद चाहिए। बेटा आपके पिता महाराज उत्तानपाद हैं, आपकी अनुमति हो तो मैं पिता को प्रणाम कराऊं। बोले ठीक है जाओ। चल पड़े। उत्तानपाद को पता लगा ध्रुव आ रहे हैं, हमारे खुशी को चल पड़े, मेरा बेटा है, आज मैं उसको गोदी में बैठाऊंगा। जब प्रवेश किए तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्यलालयन उत्तमम नारुरुक्षंतम ध्रुवम राजाभ्यनंदत। महाराज उत्तम को गोद में लेके बगल में सुरुच को बैठा कर बैठे हुए थे। ध्रुव जी देखे, पहले मां को प्रणाम किए, माता पिता दोनों हो तो पहले मां को प्रणाम करो, पिता से ज्यादा अधिकार मां का होता है। इसके बाद पिता को प्रणाम किए, उत्तानपाद उठाने का प्रयास किए, सुरुचि डांट दी, नहीं अरे अभागे तू मेरी सौत की कोक से जन्म लेकर महाराज की गोद चाहता है, तुझे महाराज की गोद चाहिए, अपने आप को तपा, इस शरीर का त्याग कर, तब तुझे महाराज की गोद मिलेगी। शब्दों से इतना आहत कर दी, बालक तड़फड़ा गया।
उत्तान पाद कांप गए, लेकिन बालक ये रोया नहीं। क्यों? जहां इतना भयभीत पिता हो, प्रणाम करने पर उठाए नहीं, वह रोने से क्या फायदा। ध्रुव जी आए, मां के चरणों में लिपट कर बहुत रोए। बालक के आंख में आंसू देखकर मां भी रो पड़ती। कोई भी मां अपने बालक के आंख में आंसू देखना नहीं चाहती। दोनों रो रहे हैं, अब शांत कौन कराए। तब तक दासी पुत्र आकर के बता दिए, मां, छोटी मां ने भैया ध्रुव को ऐसा ऐसा कहा। सुनीत धैर्य धारण की, ध्रुव जी को समझाते हैं। दीर्घम श्वसन्ते व्रजनाश्य पार मपश्यति बालकमाह बाला। मां मंगलम तात परेश मंस्थां भुंक्ते जनो यत्पर दुःखतास्ता। मेरे लाल, छोटी मां के लिए अमंगल भाव मत लाना, ऐसा मत सोचना कि मां के कारण ऐसा हुआ है। नहीं मां, मैं महाराज का बेटा नहीं हूं, महाराज के ही बेटे हूं। मुझे पिता की गोद नहीं मिलेगी, मेरी बात मान ले तो मैं तो परमपिता परमात्मा की गोद में बैठा सकता। ध्रुव ने कहा, क्या करना होगा मां? बेटा, आराध्या धोक्षज पाद पद्मम यदि चषे ध्यासनमोत्तम यथा। अपने आप को तपाना पड़ेगा, आराधना करनी पड़ेगी। ध्रुव जी सारा श्रृंगार त्याग दिए, लंगोट लगाकर मां के चरणों में लेट गए। हे मां, यदि मुझे भगवान का दर्शन हुआ तब तो मैं लौट करके आऊंगा, ये दर्शन नहीं हुआ तो मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कर लो। देवियों सज्जनों, सुनना सुनाना तो सरल है, पर किसी के बालक ये कह दे कि मां अब मैं कभी लौट के नहीं आऊंगा, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कर लो, कोई मां हंस के विदा करेगी? मरते मर जाएगी लेकिन जाने। धन्य मां सुनीत अपने आंसुओं को पी गई। कहीं मेरे आंसुओं को देखकर विचलित न हो, ध्रुव जी चल पड़े। जब तक ध्रुव दिखाई पड़े मां द्वार पर खड़ी, ध्रुव अदृश्य हुए। भगवान वासुदेव के विग्रह जिनकी सेवा करती थी उससे लिपट के बहुत रोई है। 6 महीने मां रोती रह गई। यदि ये बालक अपने मां के आंख के आंसू देख ले तो बालक की तो आधी समस्या वैसे दूर हो जाए। मां कितना रोती है, कितना तड़पती है अपने बालक के लिए, और बालक ऐसी मस्ती में है कि उससे कुछ होश ही नहीं। लेकिन मां के जाने के बाद उसको पता लगेगा इसका दर्द क्या है, तो हाय हाय करने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। महाराज को पता लगा, शिव को कहते हैं वन में जानवर रहते खा लेंगे, उसको लौटाओ, 5 गांव दे दूंगा, आधे राज्य का प्रलोभन। लेकिन ध्रुव जी नहीं लौटे। प्रभु ने कहा नारद से, नारद जाओ, मेरा परम भक्त आ रहा है, मैं उसको दर्शन तो दूंगा पर पहले उसका दर्शन करूंगा, लेकिन माध्यम में किसी संत को बनाता हूं, आपको माध्यम बनाना चाहता हूं। जब तक संत कृपा नहीं होगी तब तक भगवान की भी कृपा होने वाली नहीं है। भगवत कृपा के लिए संत कृपा जरूरी है। ध्रुव जी देखे नारद जी को, चरणों में लोटपोट हो गए। नारद जी समझ गए, होनहार बिरबान के होत चीकने पात। उठा के गले से लगाए, सिर पर हाथ फेरे, थोड़ी सी परीक्षा लिए, बेटा
आपकी व्यवस्था खेलने खाने की है, वन में जानवर रहते हैं, खा लेंगे, आप जाओ। गुरुदेव क्षत्रिय पुत्रों मुख से जो निकल गया निकल गया, या तो भगवत प्राप्ति के मार्ग दिखाइए या मेरे मार्ग से अलग हो जाइए। संकल्प तो ऐसा ही होना चाहिए बाबा, जिस मार्ग में चल पड़े हैं तो चल पड़े, फिर वहां से लौटने का क्रम नहीं होना चाहिए। संकल्प में तो केवल एक ही मार्ग होता है, जाने का, लौटने का नहीं। समझ गए, इनका संकल्प दृढ़ है। द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किए गुरुदेव, आगे करना क्या है? बेटा जाओ मधुबन, ये जाओ मधुबनम पुण्यम हरे चरण चर्चितम। ध्रुव जी चल पड़े मधुबन, यमुना का पावन पुलिन, यमुना में स्नान किए, बालू में भगवान का स्वरूप बनाकर भगवान की सेवा, गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप, प्रथम मास में 3 दिन के बाद कैथा और बेर, दूसरे महीने में 6 दिन की साधना के बाद जो फल गिरते उनको उठा के खाते, तोड़ते नहीं। 3रे महीने की साधना में 9 दिन के बाद सूखे पत्ते, 4थे महीने की साधना में 12 दिन के बाद जल, 5वें महीने की साधना में वायु का सहारा, और 6ठे महीने की साधना में प्राणायाम साध लिए। इतनी गर्मी फैली देवताओं के प्राण कंठगत हो गए, सबके सब भगवान की शरण में गए, प्रभु रक्षा करें। भगवान ने कहा क्या हुआ? आपका एक नन्हा सा भक्त ऐसे प्राणायाम साधा है कि हम सबके प्राण कंठगत हो गए। भगवान ने कहा दर्शन देने नहीं जाऊंगा, दर्शन करने जाऊंगा। प्रभु आप कैसे भी पधारो। हमारे प्रभु प्रकट हुए जहां ध्रुव जी साधना कर रहे थे, लेकिन ध्रुव की समाधि नहीं खुली। भगवान समझ गए इसकी समाधि कच्ची नहीं है, और जैसे अपने स्वरूप को हृदय कमल में प्रकट किए, शरीर में रोमांच हो गया। देवता पुष्प वर्षा कर जय जयकार करते हैं, बोले भक्त वत्सल भगवान की। स्वरूप गायब, ध्रुव जी की आंख खुली, देखा सामने भगवान, साष्टांग दंडवत प्रणाम। ध्रुव जी सोचते हैं मैं कुछ पढ़ा लिखा होता तो स्तुति करता। सबसे पहले भगवान दाहिनावर्ती शंख कपोल में छुबा दिए, परस्पर शबालम कृपया कपोले, भूत प्रेत का भय हो तो बामावर्ती शंख रखो, ज्ञान की प्राप्ति के लिए दाहिनावर्ती रखो, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मध्यवर्ती रखो। अलग अलग शंख है अलग अलग कार्य के लिए। अभी तो सब शंखों का नाम भी नहीं बोला हूं, अलग अलग विधा है। ध्रुव जी बगैर पढ़े महाराज पंडित बन गए, बड़ी पावन स्तुति करते हैं। यौं तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादे प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, जिसकी कृपा शक्ति से वाणी में बोलने की शक्ति, नेत्रों में देखने की शक्ति, इंद्रियों में कार्य करने की शक्ति, जिनकी कृपा शक्ति से सारा विश्व प्रपंच का नाटक चल रहा, ऐसे जो सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा नारायण, उनके श्री चरणों में हमारा आप सबका बार बार नमस्कार बार बार प्रणाम है। ध्रुव जी भगवान के साथ जाना चाहते थे, प्रभु ने कहा नहीं, 36,000 वर्ष तक सारे भूमंडल का राज्य सुख भोगो, ताकि लोगों को पता चले जो मेरे नाम की आराधना करते उनको मैं क्या देता हूं। भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए हैं, ध्रुव जी चल पड़े नगर की ओर। नगर के बाहर एक सेवक देखा, बड़ा विलक्षण तेज, जाके महाराज को बताया, लगता ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हो गया, हमने तो ऐसा तेज देखा ही नहीं। सूचना देने वाले को कीमती हार दे दिए,
एक वो समय था प्रणाम करने पर उठाए नहीं, आज सूचना देने वाले को कीमती हार। उत्तान पद सुरुच सुनीति सबके सब चल पड़े, जैसे ध्रुव को देखे उत्तान पद रथ से दौड़ पड़े नीचे उतर। ध्रुव जी प्रणाम करने लगे, उठाकर गले से लगाए, बहुत रोए, बेटा आपके जैसे लायक पुत्र का मैं कठोर पिता हूं, मुझे क्षमा कर दो। ध्रुव जी ने कहा, पिताजी आप कठोर होते तो मैं लायक कैसे होता। दोनों माताएं हैं, पहले सुरुचि को प्रणाम किए। जब सुरुचि को प्रणाम किए जब सुरुचि को प्रणाम किए सुरुचि लज्जित हो गई, बेटा मुझे क्षमा कर दे। मां असली गुरु तो आप हैं, आपके शब्द की ठोकर से ठाकुर मिले, जिंदगी में हमने ठोकर खाई न होती तो मोहन तुम्हारी याद कभी आई न होती। इसके बाद सुनीत को प्रणाम किए हैं, महाराज लेके गए महल में, ध्रुव जी को राज्यपाठ सौंपते हैं। उत्तम वन में गए, यक्षों के द्वारा मारे गए, सुरुच गई ढूंढने के लिए, वन में लगी आग समाप्त हो गई। ध्रुव जी सारे भूमंडल का राज्य सुख भोगे हैं, 36,000 वर्ष तक ब्रह्मी नाम के राजकुमारी के साथ विवाह। ध्रुव जी राज्य सुख भोगे हैं सारे भूमंडल का, और आप लोग राज्य सुख भोगे अपने अपने मंडल कमंडल का। शेष प्रसंग का रसपान करने के लिए कल की कथा में ठीक 3:30 का समय है, ठीक है ना, अभी प्रसारण वालों को 2 मिनट का समय है, नहीं घबराएं, 2 मिनट रोक लेंगे अभी। और कल का जो प्रसंग है नंदोत्सव, श्री राम जी का प्राकट नरसिंहावतार, नंदोत्सव को बड़े धूमधाम से, कहने की आवश्यकता नहीं, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे, उसका आनंद लेंगे। आज जो प्रसाद की सेवा है तो छाजू राम जी के द्वारा है और ज्ञान अग्रवाल के द्वारा है, व्यासपीठ से आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना। और एक विशेष सूचना ये है, यहाँ जितने भी कथा में देवियाँ आती हैं, देवता लोग आते हैं, तो आप अपने गले में 10 तोले का हार यदि पहन के लाओ, कन्हैया नहीं कहता कि मैं इसी से मिलूंगा, तो पहनो तो संभाल के रखो, क्योंकि कृष्ण की कथा में कंस भी आते हैं, बगैर कंस के कृष्ण की कथा अधूरी है, कंस न होता तो कृष्ण को जानता कौन। तो कुछ कथा में जेब काटने आते हैं, कोई चैन काटने आता है, किसी माई का भी पता लगा कि कलश यात्रा के दिन चैन कट गई, तो हो सके तो नंदोत्सव में कथा में आप लोग आओ, इसका विशेष ध्यान रखा करो, कथा की मस्ती लेके जाओ, ये चैन मोबाइल के लिए रोते मत जाओ कि ये गुम गया कि वो गुम गया, यदि है तो उसको संभालो। कृष्ण के मार्ग में हो तो कृष्ण और कंस दोनों की लीला चलेगी। रामलीला आप जब देखते हो तो रामलीला में अकेले राम नहीं होता, रावण का भी पात्र, तो कथा में भक्त भी आएंगे और अभक्त भी आएंगे, कुछ ऐसे देवियां भी आ जाती हैं बड़ा सुंदर श्रृंगार करके आंख बंद करके बैठी रहेंगी और बगल में पर्स खोली है जयराम जी की चली जाती है। देवता भी कई ऐसे बैठते हैं भोले बगुला भगत बन करके देखते रहते हैं, निकाले चले गए। इसके लिए स्वयं की सावधानी जरूरी है, इसमें समित चौकीदारी किसी की नहीं करेगी भाई, ये समित का दोष नहीं होता है। आइए आप सब मिलकर बड़े प्यार के साथ आरती करें, क्योंकि समय का अतिक्रमण हो गया इनका। आरती कन्हैया तैयार, जो आप लगाते हो। बाल मुकुंद मुरारी कन्हैया तेरी आरती उतारो, 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 आरती उतारो लाला तन मन वारो, आरती उतारो लाला तन मन वारो, मोहन मदन मुरारी कन्हैया तेरी आरती उतारो।
मोहन मदन मुरारी कन्हैया तेरी आरती उतारूं। के प्राण आधारे तुम हो त्रिभुवन के रखवारे, तुम हो त्रिभुवन के रखवारे। मुरलीधर बनो बारी कन्हैया तेरी आरती उतारूं। मुरलीधर बनो बारी कन्हैया तेरी आरती उतारूं। कुंडल लहरावे वो तन पीतांबर मेरो मनभावे, तन पीतांबर मेरो मनभावे। ओ मोरी मुकुट सिरे शोभा पावे, मोर मुकुट सिरे शोभा पावे। सब जे मुरारी कन्हैया तेरी आरती उतारूं। सब कुंज बिहारी कन्हैया तेरी आरती उतारूं। तट धेनु चरावे, नख ऊपर गिरिराज उठावे, नख ऊपर गिरिराज उठावे। ओ ब्रज गोपी ने संग रास रचावे, ब्रज गोपी ने संग रास रचावे। जय 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 रास बिहारी कन्हैया तेरी आरती उतारूं। जय जय रास बिहारी कन्हैया तेरी आरती उतारूं। ब्रजराज जी की आरती गावे, जो ब्रजराज
जी की आरत गावे। बसी को लोक परम पद पावे, बसी को लोक परम पद पावे, पाप ताप वाके सब मिट जावे, पाप ताप वाके सब मिट जावे। जय 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 गिरि वरधारी तेरी आरती उतारो, मैया तेरी आरती उतारो, पूरी पारम करुणा अवतारम, संसारी सारम बुझगे निहारम, सदा वसतम हृदयारि बिंदे भव भवानी चैतन्य नमा, जीवे माता पिता त्वमेव, जीवे बन्धु सखा त्वमेव, जीवे विद्या द्रविणम् त्वमेव, त्वमेवि सर्वम् मम देव देवे, शरण पड़े की राज है तुम राखो जगदीश, दोनों भुजा पसार के धर चरण पेश सियावर, राम जय जय राम मेरे प्रभु, राम जय जय राम करो कल्याण, जय जय राम। पुष्पै देवादिवंदनम् आरोग्यार्थयात्मादिवंदनम्। हरिः ॐ योपां पुष्पं वेदा पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवति। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णप्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तु गृहाण परमेश्वरः। मंत्रपुष्पाजलि निवेदयामि प्रणमामि नमस्करोमि। बोले पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय। शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। राम जन्म भूमि की जय। कृष्ण जन्म भूमि की जय।